और उस शेर का शिकार करके ही वापस लौटूंगा। नहीं नहीं, ये इरादा अपने दिल से निकाल दीजिए, खुदा के लिए। बखुदा मुझे बुजदिली का सबक न दीजिए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शहजादी साहिबा, आखिर आप कब तक यूं ही हलकान होती रहोगी? न जाने मेरा अंजाम क्या होगा। सूफिया, आजकल मैं बड़े भयानक ख्वाब देख रही हूँ। छोड़िए ऐसे ख्यालात को, इस दिलचस्प जगह में आप जैसी लाजवाब किस्मत की मलिका को तो खुशी रहना चाहिए। ओ भाइयों, मेहरबानों, बच्चों, अरे ये कैसा शोर है? ओ भाइयों, मेहरबानों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, आओ। मैं कोहताब से आया हूँ, नए चिराग लाया हूँ। लाओ पुराना नया दूंगा, पैसा वैसा कुछ न दूंगा। लूटो लूटो, ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। लीजिए, कोई अक्कल का बुद्धू आ गया, पुराने चिराग लेकर नए चिराग देता है। अगर इजाजत हो तो ये पुराना चिराग देकर नया चिराग ले आ, जो तेरा जी चाहे कर। सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। मैं जहाँ भी गया बोलबाला हुआ, सबसे आला है मेरा चिराग। जब ये घर में जले ऐसा प्यारा लगे, जैसे सहरा में फूलों का बाग। इसकी निशानी जलती जवानी, जलती जवानी है, जवानी है, जवानी है। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना, सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। हसीनो ओ बेयकीनो, खात नशीनों की न मानी है, न मानी है। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना, सौदा है सुल्तानी जानी, सौदा है सुल्तानी। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना, सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। मेरी जानो जिगर, छेड़खानी न कर, देख अच्छी नहीं है ये बात। मुझे है भारी भारी, अरे लगती है प्यारी प्यारी, जैसे हो दाढ़ी वाला बकरा। अरे दाढ़ी वाला बकरा, मुंह को संभाल लड़की, देता है किसको झिड़की बे। आए रे हाय तेरा नखरा, सुन रे मदारी। ओहो क्या है बीमारी, अरे ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना, सौदा है सुल्तानी जानी, सौदा है सुल्तानी। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना, सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। अरे दीवानी, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो फिर ले चिरा, इसके आगे नाक भी रगड़ेगा तो भी ये नहीं चलेगा। तू फिकर न कर,
माशाल्लाह, ये तो ऐसा चलेगा कि मेरे इशारे पर तुम्हारी किस्मत का चक्कर भी चलेगा। अब देखता हूँ अलादीन का बच्चा इसे कैसे हत्याता है। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? आज रात को शहजादी बदरुल बदर के समेत अलादीन के महल को बहरानी आबशार की लहरों पे रख दो। बहुत खूब। की लहरों पर दिखाई देता है। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? आप खुद देख लीजिए। देने की ताकत रखने वाला हिकमत जादूगर, तुम सब यहां से चली जाओ। अलादीन को भूल जाओ हमारी जान, क्योंकि अब हमारे पास जादुई चिराग जो तुम्हारी बेवकूफ लौंडी ने हमें दे दिया था। मगर अब तुम क्या चाहते हो? ये तुम हमारी आंखों में समा कर देखो। देखो हमारी उम्मीदों के सितारे तुम्हारे लिए कितने बेकरार। इन्हें भी एक बदर की जरूरत। बदर आओ, करीब आओ और इन सितारों की जान बन जाओ। दूर रहो बदतमीज। बदतमीज है हुस्न की महफिल में मोहब्बत के तलबगार को पहले पहल यही सुनना पड़ता, फिर भी तालिब की इल्तिजा एक बार सिर्फ एक बार हाँ कह दो, फिर देखना हम इस हाँ के इशारे पर दोनों जहान की मुसरतें कुर्बान कर देंगे। कहो जाने मत, हाँ कहो, ये बेरुखी अच्छी नहीं। ये क्या? ये तेरी दूसरी शिकस्त है हिकमत। तू चाहे तो पहाड़ों को मिटा सकता है, लेकिन इस पाक दामन औरत को नुकसान तो क्या, तू छू भी नहीं सकता। वो
सकता है चंपारण के बच्चे, हमारी इन दो उंगलियों के छूने से ये जादुई चिराग हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर भी शहजादी तेरी नहीं हो सकती जब तक कि ये अपने राजे खुशी से तेरे प्यार का इकरार न कर ले। अगर ऐसा ही है तो हमारा फैसला भी सुन लो, हम तुम्हें उस वक्त तक इस आबशार की लहरों पर टिके हुए महल में कैद रखेंगे जब तक तुम राजी खुशी हमारा प्यार कबूल न कर लोगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी चीख उपकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं, अब भी वक्त है, सोच लो, वरना तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को तुम्हारी पापदामनी के कफन में लपेट कर इसी आबशार की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो। ये क्या बदतमीजी है, मैं सुल्तान आली से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें बर्तरफ करवा दूंगा। बल्कि यूं समझो कि मां बदौलत तुम्हारा सर कटवा देंगे। लेकिन मेरा जुर्म आलीजा। जुर्म? जादूगर मेरी बच्ची को फुसला कर शादी कर ली, उस मासूम को महल के साथ उठा ले गया और अब पूछता है जुर्म क्या है। आलीजा, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन मैं सब कुछ समझ गया, मेरी गैर मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है। मुझे सिर्फ एक महीने की मोहलत दीजिए, मैं वादा करता हूं कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपकी बेटी को न लाया तो मैं खुद अपना सर काट कर आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। मां बदौलत को तुम्हारी इल्तजा मंजूर है। तुझे हंसी आती है मेरे आंसुओं पर? पकड़ो, उल्लू की तरह हंसता क्या है? हंसू नहीं तो क्या अपनी नानी के नाम का हाथिया पर? भैया तुम भी बुद्धू ही रह गए। माफ करना चाहती, मैं तो ये कह रहा था अपने भैया के बड़े गुलाम साहब ने जो अंगूठी दी है ना, उस अंगूठी में क्यों ना देख लिया जाए कि शहजादी साहिबा है कहाँ। इधर ला, जल्दी बताए जादू अंगूठी, वो महल कहाँ है? अरे ये महल तो बहरानी आबशार की लहरों पर रखा हुआ दिखाई दे रहा। चल फकरू, इस जादुई अंगूठी की मदद से हम शहजादी को ढूंढ लेंगे। अल्लाह जी, मगर मैं तुझे कैसे जाने दूं? खुदा न खास्ता कोई आफत आ गई तो? अम्मी, अगर मैं न गया तो मेरी मोहब्बत और मेरे फर्ज दोनों पर हर्फ आ जाएगा। मगर बेटा, मुझे मत रोको माँ, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ। खुदा, माँ की दुआ से कश्ती तूफान से पार होगी, मुझको फतह मिलेगी, दुश्मन की हार होगी। रोक लो
करें हैं हम के मां।